उत्सव की कर रहे हैं तैयारी, तो आइए हमारे पास है व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी। रंग क्षेत्र का सुप्रसिद्ध, क्षेत्र का सबसे आधुनिक ओपन मैरिज गार्डन, फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, हमारे यहाँ शादी विवाह, जन्मदिन पार्टी, रिंग सेरेमनी, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, बैचलर पार्टी सहित किसी भी तरह की पार्टी और ऑफिस मीटिंग के लिए जरूर पधारें। हमारे यहाँ लग्जरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, डीजे फ्लोर, मूविंग लाइट सहित कई अत्याधुनिक व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। मनपसंद झांकी के साथ करवाएं दूल्हे दुल्हन की एंट्री। हमारा पता है 330 माइल नवगछिया, भागलपुर। 9661904817 9934433194। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत सड़क सुरक्षा सप्ताह जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर जिलाधिकारी व सांसद ने किया रवाना। सड़क सुरक्षा सप्ताह 11 जनवरी से 17 जनवरी तक। भारत सरकार का सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय 11 से 17 जनवरी तक स्वच्छता पखवाड़ा के तहत सड़क सुरक्षा सप्ताह मना रहा है। उसी बाबत आज भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, सांसद अजय मंडल नवगछिया, एसपी सुशांत कुमार सरोज, जिला परिषद अध्यक्ष टुनटुन साहब, शिशु रोग विशेषज्ञ अजय कुमार सिंह ने सामूहिक रूप से हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रथ को रवाना किया। ये जागरूकता रथ प्रत्येक प्रखंडों में जाकर सड़क सुरक्षा सप्ताह के बारे में बताएगी और यातायात के बारे में भी लोगों को समझाएगी। ये सड़क सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम 11 जनवरी से प्रारंभ होकर 17 जनवरी तक चलेगा। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि यातायात के नियमों का पालन करें, तभी हम सड़कों पर सुरक्षित रह सकते हैं। साथ ही भागलपुर सांसद अजय मंडल ने कहा कि यातायात के नियमों का पालन करने के बाद ही हम परिवार की सुरक्षा कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल दुकान में देर रात लगी भीषण आग, लाखों रुपए का हुआ नुकसान। बबरगंज थाना क्षेत्र के अलीगंज चौक स्थित एक इलेक्ट्रिकल दुकान में देर रात आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरे दुकान को अपनी आगोश में ले लिया और आग के तेज लपटे दुकान से उठने लगी, जिसके बाद आसपास के लोगों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन तेज आग होने के कारण आम लोग इस पर काबू नहीं पा सके, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने पहुंचकर घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं दुकानदार का कहना है कि आग में 10 से 12 लाख रुपए का नुकसान हुआ। वहीं शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की बात कही जा रही है। सड़क सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम के तहत जीवन जागृति सोसाइटी ने चलाया जागरूकता अभियान। सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर आज जीवन जागृति सोसाइटी और पुलिस प्रशासन यातायात के द्वारा रोको टोको अभियान चलाया गया, जिसमें जिन मोटरसाइकिल चालक ने हेलमेट नहीं पहना था उन्हें गुलाब का फूल देकर मोटरसाइकिल चलाते समय हेलमेट पहनकर चलाने की नसीहत देते दिखे। वहीं जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि जब भी आप दोपहिया वाहन चलाएं तो हेलमेट का प्रयोग जरूर करें और चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट लगाकर ही चलाएं। वहीं ट्रैफिक के सभी नियमों का पालन करने से कभी दुर्घटना नहीं होगी। कार्यक्रम के दौरान जीवन जागृति सोसाइटी के दर्जनों कार्यकर्ता और यातायात प्रशासन के कई अधिकारी व पुलिस के जवान मौजूद रहे। नॉनवेज पसंद करने वालों के लिए खुशखबरी, अब ले दर्जनों चिकन मटन की वैरायटी का स्वाद अपने नवगछिया में द रेस्ट्रो रेस्टोरेंट एंड कैफे। नव वर्ष पर 10-20% तक की भारी छूट। लीजिए चिकन बिरयानी का स्वाद मात्र 70 रुपए से। सेलिब्रेशन हॉल की व्यवस्था है उपलब्ध, ताकि आप लें परिवार के साथ खाने का आनंद। हमारा पता है द रेस्ट्रो रेस्टोरेंट एंड कैफे, गौशाला रोड, नवगछिया। 9304649348 7004394122। होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। सीआईटी की टीम ने छापेमारी कर एक युवक के घर से 35 बोतल विदेशी शराब की जब्त, युवक फरार। शराब तस्करी मामले में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। ताजा मामला इशाकचक थाना क्षेत्र का है। इशाकचक थाना क्षेत्र के नीलकंठ नगर स्थित छोटी लाइन के पास से सीआईटी की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर रितेश कुमार नामक युवक के घर में छापेमारी कर 35 बोतल विदेशी शराब बरामद की है। सीआईटी टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि देर रात यहां पर शराब की खेप उतरी है, जिसके बाद टीम के द्वारा छापेमारी की गई और 35 बोतल शराब को बरामद किया गया। वहीं पुलिस शराब कारोबारी रितेश की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। बिहार के सबसे बड़े 1900 करोड़ रुपए के सृजन घोटाले में फरार चल रहे अमित और रजनी प्रिया की संपत्ति पर कोर्ट ने नोटिस जज्बा किया।
अभी तक सलाखों के पीछे कई बैंक अफसर से लेकर किराने तक हो गए हैं गिरफ्तार। बिहार का सबसे बड़ा 1900 करोड़ का सृजन घोटाले में अभी तक कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें सलाखों के पीछे कई बैंक अफसर से लेकर किराने तक बद हैं। बहुचर्चित सृजन घोटाले में सीबीआई अपना शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। सृजन घोटाले की किंगपिन स्वर्गीय मनोरमा देवी के निधन के बाद उनके आरोपी बेटे अमित कुमार और बहू रजनी प्रिया की संपत्ति पर कोर्ट से जारी किए गए इश्तेहार को 10 जनवरी मंगलवार को चस्पा किया गया। गौरतलब हो कि अमित कुमार और रजनी प्रिया दोनों को कोर्ट में पेश होना था, लेकिन कोर्ट में हाजिर न होने पर सीबीआई ने उनके पुराने आवास तिलका मांझी स्थित न्यू विक्रमशिला कॉलोनी में उनके 3 मकानों पर नोटिस चस्पा किया। सीबीआई ने 25 अगस्त 2017 को सृजन घोटाले की जांच शुरू की थी, जिसमें अभी तक दर्जनों बैंक के अधिकारी से लेकर क्लर्क व किरानी सलाखों के पीछे है। बता दें कि सृजन के खाते में ट्रांसफर की गई सरकारी राशि का बंदरबांट हुआ। इस घोटाले में तकरीबन 1900 करोड़ रुपए का घोटाला होने की बात सामने आई। इस सृजन एनजीओ के तहत बहुत बड़ा घोटाला किया गया था। विकास के नाम पर भेजे गए पैसे को एनजीओ के अकाउंट में पहुंचाया गया था। साथ ही हम ये कह सकते हैं कि सरकारी फंड का गलत इस्तेमाल किया गया। सृजन के पैसे को खपाने के लिए कई एनजीओ भी बनाए गए। अब सीबीआई सबों पर नकेल कस रही है। बालू माफियाओं के लिए गंगा उगल रही लाल बालू। नौगछिया के गोपालपुर में इन दिनों बालू माफियाओं का बोलबाला है। बालू माफिया आए दिन गोपालपुर पुलिस को ठेंगा दिखाते नजर आते हैं। इन दिनों गंगा किनारे अवैध बालू खनन का खेल जोरों पर चल रहा है। गोपालपुर के तिनटंगा दियारा में जहाज घाट के समीप माफिया धड़ल्ले से अवैध रूप से बालू का खनन कर रहे हैं। पहले तो ये लोग सिर्फ सफेद बालू का खनन करते थे, लेकिन बालू माफियाओं ने सफेद बालू के साथ अब लाल बालू की अवैध खनन भी शुरू कर दी। बालू माफिया बालू तस्करी करने की अजीबोगरीब हथकंडे अपना रहे हैं। बालू माफिया के द्वारा तिनटंगा जहाज घाट पर रोजाना बालू की तस्करी की जा रही है। बालू माफिया के द्वारा छोटी नाव से बीच गंगा नदी में जाकर नदी के नीचे से लाल बालू निकालकर नाव में भरी जाती है और उन बालू को गंगा के किनारे आकर रखा जाता है। ये सिलसिला रोजाना होता है। नौगछिया के गोपालपुर थाने से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर अवैध बालू लदे करीब 50 से अधिक ट्रैक्टर गुजरते हैं। इस एक ओर जहां पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं, वहीं बालू माफियाओं का मनोबल अपनी चरम सीमा पर है। गंगा से निकले बालू को 2 से 3 हजार रुपए प्रति ट्रैक्टर की दर से बेचा जाता है। इस बालू का उपयोग नवगछिया अनुमंडल क्षेत्र की अधिकतर पंचायतों में चल रही सरकारी योजनाओं में किया जा रहा है। अभी बांका जिले से यहां आने वाली लाल बालू की कीमत 5,000 से 5,500 रुपए ट्रैक्टर है। जमुई जिले से आने वाली लाल बालू की कीमत 6,500 रुपए ट्रेलर तक है, जबकि यहां के बालू को भी बेहतर बताकर माफिया सस्ते में बेच रहे हैं। भागलपुर के नाथनगर के करेला स्थित ग्रामीण बैंक में बदमाशों ने शटर तोड़कर लूट को अंजाम देने का किया प्रयास। भागलपुर के नाथनगर के करेला स्थित दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक करेला शाखा में नकाबपोश बदमाशों के द्वारा लूट की घटना को अंजाम देने का प्रयास किया गया। ताजा मामला मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र का है। ये घटना मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र से महज 300 मीटर पर है। गौरतलब हो कि नाथनगर का ये करेला स्थित दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक करेला चौक पर स्थित है। ग्रामीणों का कहना है कि तकरीबन 1 बजे के करीब बदमाशों ने बैंक का शटर काटा, फिर ग्रिल काटी और इस बैंक में लूट की घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई। जब हम लोग जगे तो बदमाश रफू चक्कर हो गए। सुबह जैसे ही लोग घरों से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि बैंक का मुख्य दरवाजे का शटर कटा हुआ है और ग्रिल खुली हुई है। अंदर झांककर देखा तो सारा सामान अस्त व्यस्त था। तभी ग्रामीणों ने दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक करेला शाखा के प्रबंधक मनीष कुमार को सूचना दी। बैंक प्रबंधक व कर्मचारी बैंक पहुंचकर सारे सामानों का मिलान करने में लगे हुए हैं। वहीं बिहार दक्षिण ग्रामीण बैंक करेला शाखा के शाखा प्रबंधक मनीष कुमार ने बताया, अभी तक हम लोगों ने जो भी जांच की उसमें हम लोगों का सारा सामान सुरक्षित है, नकदी भी सुरक्षित है, साथ ही कंप्यूटर के जितने स्विच लगे थे वो भी सुरक्षित हैं। हम लोग और जांच में लगे हुए हैं, पता करते हैं कि आखिर बदमाश क्या यहां से लेकर फरार हुए। गायक किशोर कुमार के ननिहाल की दर्द भरी कहानी। खौफनाक पूस की रात और शमशान घाट पर लाशों का ढेर, लाश जलाने के लिए जगह पड़ रही कम, जल रही चिता की आग से लोग ठंड से कर रहे बचाव। सर्द के बेदर्द रात की कहानी आपको भागलपुर से दिखाते हैं। ये दर्द भरी कहानी है मशहूर गायक किशोर कुमार के ननिहाल भागलपुर की। खौफनाक पूस की रात में कब कहां क्या हो जाए किसी को नहीं मालूम।
गायक किशोर कुमार के ननिहाल से एक दर्द भरी कहानी सामने आई। शमशान घाट पर लाशों का ढेर है। ठंड की वजह से ग्रामीण इलाकों के लोगों का इंतकाल ज्यादा हो रहा है, जबकि शहरी आबादी के बीच अलाव की व्यवस्था ना काफी दिखी। भागलपुर के गंगा किनारे शमशान घाट पर लाश के दाह संस्कार के लिए जगह की कमी हो गई है। बढ़ती ठंड की वजह से मरने वालों की संख्या बढ़ गई। शमशान घाट बरारी में लाश की संख्या और उनके परिजन परेशान दिखे, जबकि शमशान घाट बरारी में एक बेड वाला विद्युत शवदाह गृह भी है, लेकिन ज्यादातर समय मेंटेनेंस की जरूरत की वजह से बंद रखना पड़ता है। विद्युत शवदाह गृह के संचालक राहुल राय का कहना है कि स्मार्ट सिटी के रिवर फ्रंट के निर्माण कार्य की वजह से लाश जलाने की जगह छोटी पड़ गई। स्मार्ट सिटी न तो विद्युत शवदाह गृह का नया निर्माण कर रही है और न ही लकड़ी से जलाने वाली जगह दे रही है। जब पूस की सर्द भरी बेदर्द रात में शहरी इलाके से लेकर शमशान घाट का जायजा लिया तो जिंदगी के सफर की सच्चाई सामने आई। कहें तो ठंड में इंतजार एक सवारी का था और मसला दो वक्त की रोटी का था। मौत ने दोनों ही सवाल खत्म कर दिए। सच्चाई जानिए इस रिपोर्ट से। किलकारी बिहार बाल भवन भागलपुर जिले का प्रतिनिधित्व करते हुए किलकारी के लगभग 17 बच्चों ने 6 विधाओं की प्रस्तुति राज्य स्तरीय युवा महोत्सव 2022-23 मुजफ्फरपुर में दी, जिसमें 2 विधाओं हस्तशिल्प और के नाटक बड़े भाई साहब को प्रथम एवं तृतीय स्थान से पुरस्कृत किया गया। हस्तशिल्प में प्रेम कुमार केडिया ने निर्णायक मंडल द्वारा दिया गया विषय जल जीवन हरियाली था, जिसे पूरी ईमानदारी के साथ पूरा कर प्रेम कुमार केडिया ने पूरे बिहार में प्रथम स्थान प्राप्त किया। और एकांकी नाटक बड़े भाई साहब मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित और साहिल राज द्वारा निर्देशित नाटक बड़े भाई साहब को पूरे बिहार में तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। नाटक में भाग लेने वाले बच्चे थे जिन्होंने मंच पर प्रदर्शन किया, प्रेम कुमार केडिया, राहुल कुमार, मोनिका कुमारी, खुशबू कुमारी, नेहा कुमारी, रेनू कुमारी, संध्या रानी, आदित्य कुमार, आदर्श कुमार और सूर्यांश साकेत ने स्कूल के बच्चे की भूमिका निभाई। सह निर्देशिका और रूप सज्जा खुशबू कुमारी ने की। संगीत संचालक अनुराग कुमार और प्रकाश संचालक मिथिलेश कुमार दास थे।